नेशन का जो प्राइम मिनिस्टर का जितना भी स्कीम फ्लैक्सिप स्कीम है उसको तो हम लोग लागू कर रहे हैं और स्टेट में भी हम लोग उसको लागू कर रहे हैं। तो इसमें आज यहाँ इतना स्पीच में देने का ये जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जितना भी दिव्यांगजन का हम लोग हेल्प करना है उसका मतलब हम लोग का सब है फ्लैक्सिप प्रोग्राम है, उसी मुताबिक हम लोग चलता है। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से भी जो हम लोग को वहाँ से डायरेक्शन देता है उसी मुताबिक हम लोग उसको मदद करते हैं। हर साल का रोना है दिव्यांगजन लोगों का, जो उनका स्की है वो पेंशन रहता है सर, इस साल भी काफ़ी रिपोर्ट बनाने के बाद में दिया गया वो भी आधा। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कब ये जो वो लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो एक ही बार में सॉर्ट आउट होंगे, वो बता दीजिए। नहीं, वो सब एक्चुअली PPMS का कारण से हुआ है बहुत कुछ, क्योंकि इन लोग को वो नहीं हो पाता है, कोई कोई में नेट नहीं है, कई कई में जो लाइन नहीं जाता है, कनेक्शन नहीं था, उसी कारण से बहुत लेट हुआ है। तो इसमें हम लोग यहाँ से जितना भी ये यूनिक आइडेंटिटी जो क्या है, जितना भी बेनिफिशियरी जो मिलना है उसका मुताबिक हम लोग बेच देते हैं सेंटर में। सेंटर में बेच देने से फिर कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में फिर अपना नेट का कारण से UC नहीं दे पाता है, उसी कारण से एक दो डिस्ट्रिक्ट मतलब पिछड़े होने से उसमें और सारा स्टेट का एक्सेप्ट होना पड़ता है, इसी कारण से डिले होता है। अदरवाइज हम लोग उसमें तो कुछ ये नहीं है, जितना भी है डायरेक्ट बेनिफिशियरी इन कोई दे देता है, तो सिर्फ उसमें नेटवर्क का कारण से और उसमें जो हमारा जो अरुणाचल में आप जानते हैं बॉटल नेक बहुत तकलीफ ये है, जियोग्राफिकल कंडीशन है, उसी कारण से कोई कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं पहुंच पाता है टाइमली UC नहीं दे पाता है, इसी कारण से हम लोग का मतलब डिले होता है। सर अभी भी जैसे आधा से ज़्यादा जैसे कह सकते हैं सर 70-80% जो डिसेबल जो पेंशन है उन्हें मिल चुका है, लेकिन जो नया डिस्ट्रिक्ट जैसे कहा सर से भी हमने इंटरव्यू लिया था तो सर ने मेंशन किया था न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट का अभी तक पोर्टल में मतलब अपडेट नहीं किया गया उसकी वजह से नहीं मिला, तो अभी सर कब तक उनका जो पेंशन मिल जाएगा? नहीं, वो तो एक्चुअली पोर्टल अपडेट होना ही पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा, तो उसको ही फॉलोअप करना पड़ेगा, क्योंकि पोर्टल भी यहाँ से फॉलोअप करने से भी वहाँ में जाके फिर और ऑल इंडिया लेवल में जो आने से तकलीफ मिलता है, तो फिर भी जितना भी अपडेट नहीं होने से वो नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग तो अभी जितना भी मतलब जितना गांव में है बस्ती में डिस्ट्रिक्ट में जो रजिस्टर नहीं हुआ है उसको भी हम लोग ढूंढने के लिए बोल रहे हैं, उसको भी रजिस्टर करना है, लेकिन तो मिलने के लिए थोड़ा तकलीफ हो जाता है, क्योंकि पोर्टल में आने का बाद ही वो मिलेगा, फिर भी आने के लिए भी तकलीफ हो जाता है, उसमें हम लोग का हमें कोई कोई डिस्ट्रिक्ट से अपलोड नहीं हो पाता है, तो इसलिए। और सर आज आपके स्पीच में लोनीपोल और हियरिंग इम्पेयर्ड स्कूल के बच्चों का आपने अप्रिशिएट किया सर, लेकिन मैं बता दूं कि पूरे अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ स्कूलिंग लेवल तक ही है दिव्यांगजन लोगों के लिए, तो उसके लिए एज अ सचेतन कंसर्न मिनिस्टर सर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करें कि एटलीस्ट कॉलेज लेवल तक हमारे अरुणाचल प्रदेश में आ जाए, ताकि जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं उन्हें प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े सर। वो भी बहुत अच्छा सुझाव है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं आगे जाके। सितंबर महीने में सर NHM में डॉक्टर के लिए पोस्ट निकला था, उनका अपडेट क्या है? जो एडवर्टाइजमेंट तो वो अभी तो एडवर्टाइजमेंट का मुताबिक ही करेगा जितना भी है। सर सुनने को आया कोई पोस्ट भी डॉक्टर कोई अप्लाई नहीं किया गायनोलॉजिस्ट और ऑर्थोलॉजिस्ट का? हाँ, हमको तो अभी कवर नहीं दिया, वो तो डायरेक्टर लेवल में होगा। सर आज के दिन में दिव्यांगजन लोगों के लिए स्पेशली एज अ होल अरुणाचल के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, वही है, हम जितना भी पब्लिक है वो समझना चाहिए, जो दिव्यांगजन के लिए भी सोचना चाहिए, सब कोऑपरेट होना चाहिए, जहाँ में इन लोग को हम लोग हेल्प करने का जरूर है वहाँ हेल्प देना चाहिए, वहाँ जहाँ में मदद करना है वहाँ मदद करने का सोचना चाहिए, और उसको भी हम इक्वली ट्रीटमेंट करना चाहिए। सर आज यहाँ में काफ़ी पैरालंपिक का जो स्पोर्ट है काफ़ी बच्चों और बड़ों को मेडल दिए गए स्पोर्ट बेसिस में, तो आप इस चीज़ के लिए उन लोग आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं यहाँ से, उन लोग आगे क्या होगा सर? एक्चुअली ये एक रूटीन वर्क होता है, एवरी ईयर्स अपने डिस्ट्रिक्ट में होता है और स्टेट लेवल में होता है, उसके बाद नेशनल लेवल में होता है और इंटरनेशनल लेवल में भी जाता है। तो हमारे यहाँ का यहाँ भी जो पार्टिसिपेंट किया है या जो विनर है अभी जो वहाँ उड़ीसा जाएगा और उड़ीसा में नेशनल लेवल में जाएगा और नेशनल लेवल में सेलेक्शन होने से और आगे भी जाएगा, तो वो सब का
भी इन का अपने अपने टैलेंट का मुताबिक इन भी बेनिफिट मिल जाएगा। सर जब स्पोर्ट का बात आता है तो हमेशा ऐसा रह जाता है कि फंड नहीं मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस चीज़ में आपको क्या ये दिव्यांगजनों के लिए? एक्चुअली दिव्यांगजन के लिए भी सारा ये में नेशन में जो स्पोर्ट्स जगह भी होता है, स्पोर्ट्स का भी होता है पान, लेकिन हमारे यहाँ में अभी तक नया स्टेट है, लागू नहीं हुआ है, तो इसी कारण से इस बार हम लोग का फर्स्ट टाइम हुआ है। फर्स्ट टाइम हम लोग का जो पैरालंपिक जो प्रेसिडेंट लोग ये करके इस पर करा है, लेकिन उनका भी जो रूटीन वर्क में होने से उसका भी एवरी ईयर का जो फाइनेंशियल इसको इन द 3rd of December एवरीवेयर एंड इट इज़ बेसिकली बीइंग सेलिब्रेटेड इन द एवरी डिस्ट्रिक्ट आल्सो। तो डिस्ट्रिक्ट में जितना में हम लोग के डिप्टी कमिश्नर्स अलोंग विद द डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ WCD उसी में भी हम लोग कुछ फंड रिलीज कर दिया है। वी हैव गॉट 25 डिस्ट्रिक्ट्स एंड रिलीज 1,25,000 ईच to each district for celebration World Disabled Day, and here in the capital, here in the headquarter, we are celebrating in collaboration with the Paralympic Association of Arunachal. This is actually one way. It is a Paralympic season. We are making a new beginning. तो अभी हम अच्छा लगा ये कि Paralympic Association ने All India level में affiliate करके अभी यहाँ में शुरू कर दिया। तो मैं सोचता हूँ कि जितना हम लोग यहाँ का जो दिव्यांगजन लोग उसको फायदा लेंगे, then they will participate. यूजली क्या होता है उसी में आपका आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट इज अनाउंस द रिजर्वेशन इन द स्पोर्ट कोटा ऑल्सो, आई थिंक दे आर ऑल्सो इंटाइटेड फॉर डेट वन। तो इनका अगर नहीं देता है तो हम लोग अपना डिपार्टमेंट का तरफ से इनको मैं लिखूंगा, आई राइट अ लेटर टू देम टू गिव देम द कोटा ऑल्सो। तो मैं इनका रिक्वेस्ट करना ही पड़ेगा, हम लोग करूँगा, अगर देखते हैं आगे में क्या होता है। ये डिसेबिलिटी पेंशन का अभी में पैसा तो नाउ रिलीजिंग इज गोइंग ऑन। ये एक आपका इट इज़ ए ह्यूज अमाउंट, आपका 85 करोड़ का है। तो 85 करोड़ मेरा जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में PFMS होना पड़ता है आपका, हम लोग का पेरेंट अकाउंट का साथ इसका लिंक करना चाहिए, देन बेनिफिशियरी फिर इसमें लिंक करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से पैसा रिलीज करने से भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में बेनिफिशियरी को दे नहीं पा रहे, क्योंकि वहाँ का आपका डुप्लीकेसी आपका अकाउंट में भी आ जाता है, देन आधार कार्ड में भी एरर आ जाता है, देन कोई कोई ऐसा केसेस भी है कि एक आदमी एक बेनिफिशियरी दूसरा बेनिफिशियरी का आधार को लेके भी ये लोग यूज किया है, तो उसी में आपका तो ऑटोमेटिक डिटेक्शन होता है आपका SBI में बैंक में, तो उसी में पता चल जाने से आपका वो नहीं हो पा रहा है। देर आर सर्टन अदर जिससे टेक्निकल प्रॉब्लम्स है इसमें, तो दिक्कत भी है, स्टिल इन फ्रॉम माई साइड आई एम क्लियरिंग। तो हर दिन में अभी पैसा तो आई एम सेंडिंग इन क्रोर्स टू ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट, जो जो अभी हम लोग ये आपका जो PPA जो है प्रिंट पेमेंट एडवाइस मैं रोज साइन करके भेज देता हूँ। सो आई थिंक इन एवरी डे आई एम सेंडिंग द मनी इसको इन द 3rd of December एवरीवेयर एंड इट इज़ बेसिकली बींग सेलिब्रेटेड इन द एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। तो डिस्ट्रिक्ट में जितना में हम लोग के डिप्टी कमिश्नर्स अलोंग विद द डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ WCD उसी में भी हम लोग कुछ फंड रिलीज कर दिया है। वी हैव गॉट 25 डिस्ट्रिक्ट एंड रिलीज 1,25,000 ईच to each district for celebration World Disabled Day, and here in the capital, here in the headquarters, we are celebrating in collaboration with the Paralympic Association of Arunachal. This is actually one way. It is a Paralympic season. We are making a new beginning. तो अभी हम अच्छा लगा ये कि Paralympic Association ने All India level में affiliate करके अभी यहाँ में शुरू कर दिया। तो मैं सोचता हूँ कि जितना हम लोग यहाँ का जो दिव्यांगजन लोग उसको फ़ायदा लेंगे, then they will participate. यूजली क्या होता है उसी में आपका आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट इज अनाउंस द रिजर्वेशन इन द स्पोर्ट कोटा ऑल्सो, आई थिंक दे आर ऑल्सो इंटाइटेड फॉर डेट वन। तो इनका अगर नहीं देता है तो हम लोग अपना डिपार्टमेंट का तरफ से इनको मैं लिखूंगा, आई राइट अ लेटर टू देम टू गिव देम द कोटा ऑल्सो। तो मैं इनका रिक्वेस्ट करना ही पड़ेगा, हम लोग करूँगा, अगर देखते हैं आगे में क्या होता है। ये डिसेबिलिटी पेंशन का अभी में पैसा तो नाउ रिलीजिंग इज गोइंग ऑन। ये एक आपका इट इज़ ए ह्यूज अमाउंट, आपका 85 करोड़ का है। तो 85 करोड़ मेरा जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में PFMS होना पड़ता है आपका, हम लोग का पेरेंट अकाउंट का साथ इसका लिंक करना चाहिए, देन बेनिफिशियरी फिर इसमें लिंक करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से पैसा रिलीज करने से भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में बेनिफिशियरी को दे नहीं पा रहे, क्योंकि वहाँ का आपका डुप्लीकेसी आपका अकाउंट में भी आ जाता है, देन आधार कार्ड में भी एरर आ जाता है, देन कोई कोई ऐसा केसेस भी है कि एक आदमी एक बेनिफिशियरी दूसरा बेनिफिशियरी का आधार को लेके भी ये लोग यूज किया है, तो उसी में आपका तो ऑटोमेटिक डिटेक्शन होता है आपका SBI में बैंक में,
तो उसी में पता चल जाए आपका वो नहीं हो पा रहा है। देयर आर सर्टन अदर जिससे टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, इसमें तो दिक्कत भी है। स्टिल इन फ्रॉम माई साइड आई एम क्लियरिंग। तो हर दिन में अभी पैसा तो आई एम सेंडिंग इन क्रोर्स टू ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट। जो जो अभी हम लोग ये आपका जो PPA जो है प्रिंट पेमेंट एडवाइस, मैं रोज साइन करके भेज देता हूँ। सो आई थिंक इन एवरी डे आई एम सेंडिंग द मनी।